व्हाट्स अप गाइस, माय न्यू ब्लॉग में स्वागत है। गाइस आज हम जा रहे हैं फिर से शूटिंग पे, जो सन्नी भैया का शूटिंग है। होली गाने का शूट चल रहा है। सन्नी भैया मैसेज किए हैं आ जाओ, और होली गाने का शूटिंग है। कैसे कैसे शूटिंग होता है होली का वो भी दिखाएंगे, क्योंकि जितने भी हम शूटिंग पे गए आपको सब वीडियो दिखाए हैं। क्योंकि गाइस ये भी बता सकते हैं आपको, ये वीडियो इस बार लेट से आएगा, क्योंकि शूटिंग वाले हम सबको मना कर रखे हैं, जो गाना आने के बाद वीडियो अपलोड किया करो ब्लॉग, इसीलिए आने था गाइस। इसके लिए क्षमा चाहेंगे। शूटिंग ख़त्म हो जाएगा और उसके वीडियो चढ़ जाएगा, तब हम आपको ब्लॉग ये दिखाएंगे। गाइस इतना ही कहना चाहेंगे। अब गाइस आप चलते हैं सन्नी भैया के पास शूटिंग पे। फाइनली गाइस घर से निकल गए हैं, अब जा रहे हैं। फाइनली गाइस आ चुके हैं, ये एंट्री गाइस, एंट्री करेंगे हम अंदर। राणा फार्म हाउस आ चुके हैं अंदर। फाइनली गाइस सन्नी भैया के पास पहुँच गए। ये रहे सन्नी भैया। हेलो नमस्ते। और ये सिंगर भाई जो दिखाया था अगले वीडियो में, ये नाम बोल रहा है, नाम अजय निराला यादव। अजय निराला यादव है, जो इसका गाना मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा इसका भी, जब आएगा। जब अभी होली का शूट नहीं हुआ भाई का, आएगा तो डालेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन में। और सन्नी भैया को क्या बोलना चाहेंगे आप सब, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा भी बहुत अच्छा अच्छा शूटिंग हो रहा है, भाई को सपोर्ट करो, भाई का करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारे संतोष भैया से मिलो। संतोष भैया ठीक रहेगा। संतोष भैया क्या था जो बंदा ऐसे घूमता था शादी कैसे यार, तो मैं बराबर मतलब सही बंदा है, भाग रहे हो। शादी करने से चार फायदे नहीं होते, ऐसी ये लोकेशन है जो यहाँ पे भी शूट होगा गाना वाना, देख सकते हैं कितना बढ़िया लोकेशन है। यहाँ पे बड़े बड़े स्टार का भी शूट होता है, नीलकमल, खेसारी लाल, पवन सिंह सबका यहाँ पे शूट होता है, देख सकते हैं कितना बड़ा है। ये भाई बॉक्स है जिससे गाना बजेगा, रिकॉर्डिंग होगा, क्या शूटिंग होने वाला है। शनिवार जा रहे हैं शूट पे, शनिवार डांस करेंगे बसंतियों के साथ। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये बस इतनी गाइस फाइनली हम घर पे आ चुके हैं, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसी वजह से आ गया घर पे, क्योंकि उधर गाड़ी का साधन नहीं है। इसी वजह से सन्नी भैया बोले चले जाओ घर पे आप, इसीलिए घर पे आ चुके हैं।
अब गाइस ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और कैसा बना ये ब्लॉग आप सब बताइएगा कमेंट बॉक्स में। गाइस चलते हैं। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद